मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बात होगी हाइड्रोकार्बन्स के एक बहुत ही मजेदार, सरल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। जी हां, हम बात कर रहे हैं फोटो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ये क्या है? फोटो मतलब रोशनी, लाइट। तो लाइट की उपस्थिति में, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की उपस्थिति में हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या है? हैलोजिन का जुड़ना। अगर हैलोजिन एटम मतलब कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ जाए, उसका जुड़ना किसमें? अल्केन्स में। ये रिएक्शन है फोटो हैलोजिनेशन अल्केन्स। मैं जनरल रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। कोई अल्केन है RH, R अल्काइल ग्रुप जिसके साथ H जुड़ा है, अगर इसके साथ रिएक्शन करता है कोई हैलोजिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एच न्यू लाइट के लिए लिखते हैं अक्सर, लाइट के फोटोन से चमकाए जा रहे हैं, अक्सर अल्ट्रा वायलेट फोटोन चाहिए होते हैं, ये रिएक्ट कर जाते हैं, ये निकल जाता है, बन जाता है RX और साथ में धमाके से निकल जाता है HX। वाओ। तो शुरू किससे करते हैं? आप शुरू करते हैं अल्केन से और बन क्या जाता है? आपके पास बन जाता है अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। अच्छा, तो रिएक्शन तो अपने आप में बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। जी हां, क्यों? अल्काइल हैलाइड्स बड़े रिएक्टिव होते हैं और अक्सर इनको यूज करके दूसरे फंक्शनल ग्रुप बनाए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। अल्केन्स को तो पैराफिन कहा जाता है, वो इतने रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन अल्बत्ता हैलोजन से रिएक्ट करके वो अल्काइल हैलाइड जरूर बना देते हैं। तो सिंथेसिस के लिए, बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अब एक बात जो देखने वाली है कि हमने XX लिखा है। जी हां, ये क्या है? ये तो हैलोजन है। तो ये हैलोजन कैसा होता है? सारे हैलोजन एक जैसे होते हैं ना? आप देखें अलग अलग फैक्टर्स जो इस रिएक्शन को के ऊपर असर डालते हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं, है ना। अगर आपके पास है फ्लोरीन, या आपके पास है क्लोरीन, या आपके पास है ब्रोमीन, या आपके पास है आयोडीन, ज्यादा अच्छे से कौन रिएक्ट करेगा हैलोजन्स में? जवाब है फ्लोरीन के साथ मिलाएंगे, धमाका हो जाएगा, आग लग जाएगी। -200 डिग्री सेल्सियस पर भी अगर आप उनको मिक्स करते हैं, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, एक्सप्लोजन हो जाएगा और सब कुछ उड़ जाएगा। तो फ्लोरीन इतनी धमाकेदार होती है कि लोग डरते हैं और जल्दी डायरेक्ट फ्लोरीन डालकर रिएक्शन कराने की हिम्मत नहीं होती। अगर कराते हैं तो फ्लोरीन को दे डाइल्यूटेड विथ नाइट्रोजन, इस हद तक कि लगभग 300 गुनी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनर्ट जैसी गैस होती है और जितनी फ्लोरीन है उसकी 300 टाइम्स नाइट्रोजन लेते हैं कि भैया हाथ जोड़ देते हैं, भैया फ्लोरीन धमाका मत करना, रिएक्ट मत करना, ये बड़ी रिएक्टिव होती है। तो मच मच ग्रेटर, क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, आयोडीन लल्लुओं में लल्लू है आयोडीन, वो इतनी लल्लू होती है कि ढंग से रिएक्ट ही नहीं करती, उसका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, अल्काइल हैलाइड बनता है, वो वापस रिएक्ट करके फिर से अल्केन बना देता है। तो आयोडीन को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता, मोस्टली क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ही अक्सर कराए जाते हैं। इसमें एक चीज और बता दूं आपको कि ये तो फैक्टर था हैलोजन का, अल्केन के सारे अल्केन एक जैसे रिएक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स करते तो हैं, लेकिन कुछ अल्केन ज्यादा मजे से रिएक्ट करते हैं, जैसे RH। इसमें हाइड्रोजन जो है, क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का फर्क पड़ता है? फ्लोरीन जो बहुत रिएक्टिव होती है वो कुछ नहीं देखती, दार दार दार, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो आए काट डालो, जला डालो। ये जो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी सेलेक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती, वो सेलेक्ट नहीं करती कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, सबको उड़ा देती है। ऑन द अदर हैंड आयोडीन तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जल्दी रिएक्ट नहीं करती, ब्रोमीन बहुत सेलेक्टिव है। जैसे मतलब अगर अल्केन में कहीं प्राइमरी, कहीं सेकेंडरी, कहीं टर्शरी हाइड्रोजन है, आप पाएंगे टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा होती है प्राइमरी से। तो अगर आपके पास जैसे कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपके पास यहां पर ये हाइड्रोजन है और अगर आप इसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे तो आप पाएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन भी हैं, पर ब्रोमीन यहीं पर रिएक्ट करेगी और टर्च यहां एच हटकर BR लग जाएगा। लेकिन इसी की बजाय आप फ्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे, फ्लोरीन को टुकड़े टुकड़े कर देगी और सारी हाइड्रोजन उजाड़ उजाड़ के उसे जगह एफ लगना शुरू हो जाएगा। क्लोरीन भी यूज करेंगे तो क्लोरीन उतनी सेलेक्टिव नहीं है, मर्जी पड़े कहीं यहां पे लग जाए, यहां लग जाए, यहां लग जाए, कहीं भी लग जाती है, इस वजह से लोग डरते हैं। ब्रोमिनेशन धीमा होता है लेकिन सेलेक्टिव होता है, टर्शरी पे प्रेफरेबली, ना मिली तो सेकेंडरी, वो भी ना मिली तो रोते पीटते प्राइमरी पर आता है, इसलिए ब्रोमिनेशन पसंद किया जाता है बिकॉज इट इज ऑल्दो स्लो बट सेलेक्टिव। क्लोरिनेशन
कभी कभी इसलिए पसंद किया जाता है बिकॉज इट इज फास्ट. बुरा क्या है, अनसेलेक्टिव है, अलग अलग तरह की हर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है. कोई ऐसा तरीका है जिससे क्लोरीनेशन को सेलेक्टिव बनाया जा सके? जी हाँ, क्लोरीन को अगर आप SO2 के साथ मिक्स करेंगे या इसके स्थान पर SO2Cl2 लेंगे तो आप पाएंगे रिएक्शन धीमा जरूर पड़ जाएगा लेकिन उसकी भी सेलेक्टिविटी ब्रोमीन जैसी हो जाती है और तब छांट कर प्रेफरेबली टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ऐसे रिएक्ट करता है क्लोरीन. तो आज सुबह हमने देखा है फोटोहैलोजिनेशन वल्केन्स. मेन मेन पॉइंट्स क्या है? लाइट की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन. अल्केन आर एच रिएक्ट करता है किसी भी हैलोजन X2 से, बनाता है अल्काइल हैलाइड RX और साथ में निकल जाता है HX. फंडामेंटल आइडिया. अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? फ्लोरीन इतनी तेज रिएक्ट करती है कि कंट्रोल नहीं होता, आयोडीन इतनी लल्लू रिएक्ट करती है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है और ढंग से नहीं होता. इन दोनों कारणों से न तो फ्लोरिनेशन की हिम्मत कोई करता है और न कोई आयोडिनेशन की परवाह. मेन होते हैं क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन. अगर फ्लोरिनेशन कराना हो तो 300:1 रेशियो में नाइट्रोजन के साथ डाइल्यूट करते हैं, 300 हिस्से नाइट्रोजन के, एक हिस्सा फ्लोरीन का, तब जाकर भी भगवान जी को हाथ जोड़कर धीरे धीरे करते हैं रिएक्शन, तब जाकर रिएक्शन होता है. तो सेकंड पॉइंट था ये कि रिएजेंट्स कौन, हैलोजेंस कौन कौन से यूज होते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है. थर्ड पॉइंट, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में से पसंद कौन सा करते हैं? क्लोरिनेशन सस्ता होता है पर सेलेक्टिव नहीं होता. ब्रोमिनेशन महंगा पड़ता है, धीमा भी होता है लेकिन सेलेक्टिव होता है. ये सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है? ये है फोर्थ पॉइंट. अल्केन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, कौन सी हाइड्रोजन हटाकर आप हैलोजन लगा रहे हैं, प्राइमरी से अच्छा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से तेजी से हो जाता है टर्शरी, और ब्रोमिनेशन में टर्शरी अगर पोजिशन है तो वो मेन प्रोडक्ट होती है, प्राइमरी सेकेंडरी कम होते हैं. लेकिन क्लोरिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो क्लोरिनेशन में इस तरह की सेलेक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब पर रिएक्शन होता है. ब्रोमिनेशन अगर टर्शरी है तो वो मेजर होगा, अगर टर्शरी नहीं है लेकिन सेकेंडरी है तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, इसलिए ब्रोमिनेशन को पसंद किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अगर क्लोरिनेशन को सेलेक्टिव करना हो तो क्या होगा? उसमें SO2 डाल दी जाती है और उसके साथ रिएक्ट करके बनाती है SO2Cl2. SOCl2 अगर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, थोड़ा धीमा रिएक्शन होता है पर फायदा क्या होता है? इससे सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है. सिक्स पॉइंट, इसमें हमने मैकेनिज्म आप आज को इसमें हमने आज आपको मैकेनिज्म नहीं बताया है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है पर उसके लिए अलग से 5 मिनट की आवश्यकता होगी, तो वो आगे वाले एपिसोड्स में कहीं ना कहीं आएगा जब हम मैकेनिज्म की बात कर रहे होंगे. फिलहाल आज की मुलाकात बस इतनी, आज की बात बस इतनी. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार आता है सिंथेसिस में क्योंकि अल्काइल हैलाइड से दूसरे रिएक्शन कराए जाते हैं. और इसी के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर से. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव केमिस्ट्री, लव यू ऑल.